हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्टॉक के विषय में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील के विषय में कुछ न्यूज अपडेट भी आ रही है, कुछ प्राइस पैटर्न भी काफ़ी बेटर लग रहा है, तो उसके विषय में हम देखेंगे, लर्न करेंगे क्या कंडीशन है, किस तरह उसमें आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही है। जो भी कंडीशन दी जाए लर्निंग पर्पज़ के लिए, बैंक से नहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं, तो यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस अपडेट मिलती रहती है कमोडिटी के विषय में, जिसको हम रेगुलर बेसिस आपके साथ मॉर्निंग और इवनिंग में शेयर करते रहते हैं। तो आप यहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके, साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो यहाँ से आपको रेगुलर अपडेट भी मिल सकती है। अब हम चार्ट पे आ गए। सबसे पहले चार्ट की अगर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, तो जैसा कि न्यूज़ का प्रेडिक्शन था सभी जगह पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पे उतनी तेज़ी नहीं देखने को मिली थी जैसा यहाँ पे गैप अप हुआ था। बट नेक्स्ट डे में जो डाउन मूव आया, डाउन मूव इसने लगाया है 147.95 के आसपास, मतलब 148 के आसपास इसको राउंड फिगर मान सकते हैं, इसके आसपास इसने डाउन साइड लगाया। और एक चैनल का फॉर्मेशन चलता हुआ जा रहा था। ये चैनल अगर आप देख रहे हैं, इसकी मैं थिकनेस को थोड़ा प्लस करता हूँ बेटर लर्निंग के लिए। नेक्स्ट इसके लिए अगर आप देखते हो, ये दोनों जो चार्ट का मैंने फॉर्मेशन आपके लिए किया है, यहाँ से कैंडल जो बनने स्टार्ट हुई थी छोटा छोटा नैरो जोन पे, जब भी इसके ट्रेंड के पास गया, एक पुल बैक है, नीचे गया, सपोर्ट लेता हुआ गया, और इस चैनल को ये कंटिन्यू फॉलो करता हुआ जा रहा है। मार्केट लगातार हायर साइड ही जा रहा है, लेकिन दोबारा से यहाँ पे टच किया है। कारण कुछ भी रहा हो, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन रहा हो या कुछ न्यूज रहा हो, और उसके बाद में अभी ओपनिंग हुई है। अब इसका जो नया टारगेट निकलता हुआ देख रहा है आपको, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ही देखते हुए मिल रहा है, जो 190 या फिर 200 तक का यहाँ पे आने वाले दिनों में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिली। अब इसके साथ में एक जो अच्छा इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी आ गई है, जो इनकी गवर्नमेंट है, डच गवर्नमेंट, नीदरलैंड की गवर्नमेंट है, लगातार इनके साथ में एक डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि जो टाटा स्टील है यूके में और नीदरलैंड में, वहाँ गवर्नमेंट के साथ में आप लोग भी रेगुलर न्यूज़ अपडेट देखे होंगे, तो वहाँ पे जो हेल्थ इश्यूज रहते हैं उसके विषय में कुछ ज़्यादा ही गवर्नमेंट कंसर्न थी। तो इनकी जो ओवन थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी वहाँ पे, और उसके कारण वहाँ पे उनको प्लांट या तो बंद करना पड़ेगा या कुछ उसको रिनोवेशन करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो रिनोवेशन और अपग्रेड करने के लिए डच गवर्नमेंट में पे अप टू $3.3 बिलियन, लगभग अगर इसको $3.3 बिलियन फॉर ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन टाटा प्लांट को दिया जाएगा, जिसके कारण स्टॉक में अपसाइड रैली आई। अब इसके लिए थोड़ा सा हम डाउन साइड जाते हैं और थोड़ा डिटेल देखने की कोशिश करते हैं क्या डिटेल अपडेट है इसमें। तो नीदरलैंड गवर्नमेंट, जो नीदरलैंड की गवर्नमेंट है, डच गवर्नमेंट की गवर्नमेंट, मे पे अप टू $3.26 बिलियन फॉर द ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाटा स्टील का जो प्लांट है उसके लिए पे करेंगे। वो जो मेन जो कॉज है उसके लिए सीरियस हेल्थ इश्यूज एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जो उसकी सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ के लिए कंटिन्यू रिपोर्ट हो रही है। ये आज की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो एक कंडीशन इन्होंने और शेयर किया है कि 4 जून को डच पार्लियामेंट अप्रूव्ड प्रोवाइडिंग एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सब्सिडीज। ये इनको कैश में नहीं है, सब्सिडी दी जाएगी। गवर्नमेंट बहुत ह्यूज अमाउंट में सब्सिडीज देती है, जो इनको डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं उसमें कहीं डिस्काउंट देगी, छूट दे देगी, तो उसको यहाँ पे इनको इम्पोर्टेंट मिल जाएगा। तो सब्सिडी टू द कंपनी एक्सेलरेट द रिनोवेशंस, ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो प्लांट बंद करने के प्लांट में थे कि कहीं हम उसको जितना अमाउंट वहाँ रिनोवेशन में लगे उसने हम कहीं नया प्लांट हम सेटअप कर सकते हैं। जिसके एक्सटर्नल कंसल्टेंट है, उन्होंने एस्टिमेट जो लगाया है लगभग 3.6 बिलियन का लगाया है, अकॉर्डिंग टू ए स्पोक पर्सन ऑफ द डच मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड क्लाइमेट। उसके पीछे जो मेन रीजन था, पीपल लिविंग क्लोज टू टाटा स्टील डच स्टील वर्क प्लांट, जहाँ भी टाटा स्टील का भी प्लांट रहता है आप देखेंगे वहाँ पे आसपास लोग रहते हैं, तो उनकी जो लाइफ थी लगभग 2.5 मंथ लोअर देन द एवरेज एज ऑफ नीदरलैंड ड्यू टू द प्लांट एमिशंस। तो ये मेजर कंसर्न था कि 2.5 महीने लोगों की एज कम होती जा रही थी। उसका जो डच का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट ने, उन्होंने
लास्ट ईयर में बोला था, तभी से ये लगातार अपडेट आती रही थी कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है और उसके कारण से या तो रिनोवेशन करना पड़ेगा या फिर कुछ अपडेट नया लेके आना पड़ेगा। इन सभी के बीच में एक अच्छा साइन है, एक अच्छा अपडेट है, क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट होता है, इतने में कोई नया प्लांट भी सेटअप हो जाता है जितना ये पेमेंट करने के लिए रेडी हो गए हैं। क्योंकि ये एक जो ओवन होता है मेन होता है जो ओर को रिफाइन करके आपको एक स्टील फॉर्म में कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब इसकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं, क्या पैटर्न है शेयर होल्डिंग, इन सब विषय में देखते हैं। टोटल मार्केट कैप कंपनी का लगभग है 2,11,421 करोड़ के आसपास। अब इसके आसपास तो इसको लगभग अमाउंट ही मिलने वाला है। अगर इसको करंट प्राइस देखते हैं लगभग 169 के आसपास है, हाई जो लगा रखा है वन ईयर में 108 लो है, 178 हाई है। बुक वैल्यू से अभी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग 2.5 टाइम्स है। डिविडेंड भी देती है, फेस वैल्यू 1 है अभी इसका, इससे ज़्यादा ये डाउनसाइड नहीं आ सकता। दूसरा आपके लिए ROCE पॉजिटिव है, ROE नेगेटिव है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो इनका जो मेन कंसर्न है, जो मेन कंसर्न है कि इंटरेस्ट जो ओवरऑल कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और दूसरा क्या है कि एवरेज जो क्वार्टरली इनका प्रमोटर होल्डिंग है कम हुआ है, ग्रोथ रेट इनकी थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ 7.7% से आने एवरेज बढ़ रही है। नेक्स्ट अगर इसके साथ में इनके जो कंपटीटर्स हैं, JSW है, जिंदल है, सेल है, अपोलो टीब है, जिंदल सा है, ये सब इसके ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। बीच में इसको 2023 सितंबर में नेगेटिव आया था, अदरवाइज मार्केट में लगभग लगभग प्रॉफिट मेकिंग ही कंपनी बनी हुई है। दूसरा अगर इसको हम देखते हैं जो कंडीशन बनी है PNL की, अगर आप देखते हैं तो PNL में 2024 में थोड़ा इसको लॉस होता हुआ देखने मिला, कहीं ना कहीं वहाँ के ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में UK गवर्नमेंट से कुछ इनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकता है, और सेल्स भी थोड़ी सी डाउन ही रही है क्वार्टरली बेसिस में। नेक्स्ट अगर इसकी बात देखते हैं, बैलेंस शीट भी बेटर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो में इनके ऑपरेशन एक्टिविटी पॉजिटिव में है, लेकिन ऑपरेशन एक्टिविटी में थोड़े अमाउंट कम आने लगे हैं, जो पहले 2021 में लगभग 44,000 और 2022 में 44,000 के आसपास थी, वो अभी मार्च में डाउन हो गई ऑपरेशन एक्टिविटी में। तो उन्हें मेनली ऑपरेशन एक्टिविटी में फोकस करना चाहिए, जिसके कारण से जो कैश फ्लो नेगेटिव शो कर रहा है आपको पॉजिटिव में शो करने लगेगा। दूसरा अगर इससे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, जो लगभग 3.9 के ऊपर कंटिन्यू बने हुए थे 2022-23 में, अब ये 33.19 है, 33 के तो ऊपर बने हुए हैं, लेकिन 9 से इन्होंने थोड़ा सा नीचे किया है अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को। साथ में FIs और DIs को कंपेयर आप कर लेते हैं तो मोर देन 40% लगभग FI DIs इसमें बैठे हुए हैं, जो कि बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये इतनी इजी वे से ना एंट्री करते हैं ना इतनी इजी वे से एग्जिट करते हैं, तो इसका भी एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे आपको देख रहा हो। तो करंट में 19.6 है, इससे पहले 20 था, और 0.4 के आसपास इन्होंने डाउन किया है। सिमिलर तरीके से DI ने भी लगभग 0.4 के आसपास अपनी पोजीशन कम की, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा स्टॉक मूव कर चुका है। अगर आप देखते हैं 2023 दिसंबर में मार्केट में कहाँ बना हुआ था और आज ये कहाँ पे है, इसको मैं आपको वीकली टर्म में कन्वर्ट करता हूँ। अगर इसको वीकली टर्म में आप देखने की कोशिश करते हैं, दिसंबर 2023 में, उससे पहले सितंबर में भी, सितंबर के बाद में, सितंबर 2023 से देखते हैं क्या कंडीशन बनी है। सितंबर 2023 में मार्केट में कहीं हम यहाँ पे बने हुए थे, अगस्त सितंबर में यहाँ कहीं ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद में यहाँ से अगर आप देखते हो लगभग लगभग इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, अराउंड 70-80% रिटर्न दे दिया है। अगर दिसंबर मंथ से आप देखते हो तो दिसंबर मंथ से भी इसने अच्छा रिटर्न दे दिया। तो इस तरह से लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ किया है, मार्च में किया है। मार्च को अगर आप देखते हैं तो ये बड़े बड़े कैंडल बनती है, इस पर कहीं पे इन्होंने बुकिंग किया मार्च क्वार्टर में, तो ये सारी कंडीशन यहाँ बनती हुई देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट की होल्डिंग भी लगातार कांस्टेंट है, गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, प्लस किया था सितंबर 2022 में, तब से यहाँ पे कांस्टेंट बनी हुई है। पब्लिक होल्डिंग थोड़ी प्लस हुई, क्योंकि जो यहाँ पे कम हुआ है वो यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग में बढ़ गई है। नेट शेयर अगर बात करते हैं शेयर होल्डर कितने हैं, 7,17,442 के आसपास है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग व्यू के लिए अच्छी हो सकती है, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट जो ओवरऑल कंडीशन दिख रही है उसकी बेस से हम इसमें देख रहे हैं। आपको अगर अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए एडवाइजर से एक बार सलाह करने के बाद ही एंट्री का प्लान करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड
हैप्पी लर्निंग।